वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद सौलिया अजीम। और आज की हमारी रेसिपी है मैंगो शीरा। आप इसको रवे और मैंगो का हलवा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और मैंगो का सीज़न भी था तो मैंने सोचा कि मैं आपको आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून प्योर घी ऐड कर रही हूँ। आप जब भी शीरा या हलवा बनाएं तो देसी घी से ही बनाएं, क्योंकि ये शीरे में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो घी पिघलने के बाद हम इसमें रवा ऐड करेंगे। रवा मैंने 125 ग्राम लिया है। रवा ऐड करेंगे हम इसमें घी में, और उसको भूनेंगे अच्छे से। इसकी खुशबू आने तक हमें भूनना है इसको अच्छे से, और फ्लेम का ध्यान रखें, फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें वरना आपका रवा डालते साथ जल जाएगा। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है। इसका थोड़ा सा कलर बस हम चेंज करेंगे, और जब इसमें से खुशबू आएंगी तो ये रोस्ट होके रेडी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप कंटिन्यू इसको हिलाते रहें, कहीं भी लगने मत दें वरना जल जाएगा रवा, फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए आप इसको चलाते रहें कंटिन्यू। और इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि आप जब घी में रवा डालेंगे तो फौरन ही आपको उसको मिक्स करना है, वरना डालते साथ जल भी सकता है ये, इसलिए फौरन ही आप इसको मिक्स कर दें। ये 2 से 3 मिनट में रोस्ट हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह चाहिए था हमें। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये दूध लिया है मैंने, ये 85 ml दूध है, ये भी मैंने इसमें ऐड किया है। फिर मैंने क्या किया था, एक छोटी साइज का मैंगो लिया था, उसको छील के मैंने इसको छोटा छोटा चॉप किया था। फिर इसको स्पून या पोटैटो मैशर है तो पोटैटो मैशर यूज़ करके उसको मैश करें, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये भी 85 ml है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड की है इसमें, और गैस का फ्लेम मेरे बिल्कुल बंद है। फिर हमें क्या करना है, 85 ml मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ये 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। आप शुगर चेक ज़रूर करें क्योंकि मैंगो में भी शुगर होती है इसलिए। फिर ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड की मैंने। अब हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से।
और फ्लेम अब मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर है, इसको ऑन किया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करके एक स्पून की मदद से हम इस तरह इसको लाइट करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक लीड की मदद से इसको कवर करना है। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको स्टीम देंगे। अगर आपका बर्तन पतला है तो आप कोई पुरानी प्लेट होगी तो वो इसके नीचे रखें ताकि ये जले नहीं नीचे। और अब मैंने इसको सर्व करने के लिए एक बोल लिया है, इसको मैंने घी से ग्रीस किया है इस तरह से। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब ये जो बोल लिया था मैंने, जिसका मैंने घी से ग्रीस किया था, उसमें मैं नीचे ये काली किशमिश है ये मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो कटे हुए बादाम या पिस्ता भी डाल सकते हैं। और अब शीरे को हम बोल में डालेंगे और उसको स्पून की मदद से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।